हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है ऐसा आप सभी लोग ऐसा विज्ञान के चैनल पे। और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म चैप्टर भी कह सकते हैं, इसी चैप्टर की आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं। पार्ट 1 वीडियो है आज का। और आज हम इस वीडियो में हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड जी के बारे में स्नो रूल और राइट हैंड थंब रूल को बिल्कुल बढ़िया तरीके से डिटेल पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रहेगा। ये थोड़ा थोड़ा करके हम वीडियो जो है हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो मुश्किल से 5 से 6 लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, झकास तरीके से पढ़ेंगे, मस्त तरीके से पढ़ेंगे, फनी तरीके से पढ़ेंगे, एकदम एंटरटेनमेंट वाले तरीके से पढ़ेंगे। तो मज़ा आ जाएगा, बस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे आपको राइट हैंड थंब रूल मेन टॉपिक है उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है हमारा, ये इसको किसने जो है डिस्कवर किया, इसके बारे में किसने डिस्कवर किया, किसने क्या अपना जो है लॉ दिया, ठीक है। इसके बाद स्नो रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल वगैरह क्या होता है, ये चीज़ें पहले हम पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें इस चैप्टर का जो कि बेसिक है। इसको पढ़ने के बाद ही फिर हम राइट हैंड थंब रूल को पढ़ेंगे और फिर उसके आगे फिर हम लोग बैट सेवट लॉ वगैरह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आज पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है, और पार्ट 2 में हम बैट सेवट लॉ वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज जो हमें जो करना है हम उस पर फोकस करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड जी के बारे में और राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। चलिए, तो अभी हम पहले ये साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जो कि एक लेबोरेटरी थे, और फिर इसके बाद हम देन क्या करेंगे इसको पढ़ेंगे, क्या नाम है हमारा, राइट हैंड थंब रूल को, ठीक है। तो बस वीडियो का एंड तक देखते रहना है, घबराना नहीं है, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। और ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, जब आप इस वीडियो के एंड में पहुँचोगे ना, तब कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे, सर क्या बात है, हमें आज से पहले ये चैप्टर इतना आसान नहीं लगा, मज़ा आ गया एकदम, बढ़िया तरीके से हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म चैप्टर में बढ़िया से एकदम पकड़ बना ली है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड, देखिए आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। क्या स्टोरी है कि पहले अर्लियर बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत पहले क्या होता था कि जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट थी। उस समय लोग नहीं जानते थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है और जो मैग्नेटिज्म होता है, इनका भी आपस में कोई रिलेशन होता है, नहीं जानते थे कोई। लेकिन हमारे एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट तो नहीं कहना चाहिए, एक लेबोरेटरी थे जिन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये बात प्रैक्टिकली प्रूव हो गई कि जो इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर उन्होंने इस चैप्टर को हमें जो है कि दे दिया, ठीक है। तो हम उसी चीज़ के मैग्नेटिज्म के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है, टफ लगता भी होगा तो आज से आसान लगेगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई क्या हुआ था। तो अब जिन साइंटिस्ट ने, या कह सकते हैं जिन लेबोरेटरी जो थे, जिन्होंने मैग्नेटिज्म की खोज की और उसको मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को बताया कि ये दोनों का आपस में रिलेशन होता है, और इसी का नाम दे दिया उन्होंने, क्या दे दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो कौन से साइंटिस्ट थे, कौन से लेबोरेटरी थे जिन्होंने इस चीज़ की डिस्कवरी की, तो उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड, ठीक है, जिनका जो जन्म हुआ था, जो पैदा हुए थे वो 1777 में हुए थे और उनकी जो डेथ हुई थी वो 1851 में हुई थी, ठीक है। तो हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड इनका पूरा नाम है, इनको ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ऑयस्टेड नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया ना, अपने लैब में, इनके लैब में क्या था, उन्होंने एक वायर ले लिया, क्या ले लिया, एक वायर ले लिया, इस तरीके से एक वायर ले लिया, किसी भी अलॉय का हो सकता है, ठीक है, ये ले लिया, क्या, एक वायर ले लिया। इसके बाद उन्होंने एक कंपास ले लिया, कंपास, ठीक है, इस वायर के पास उन्होंने इस कंपास को रख दिया, क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है। अब रखने के बाद इसमें नीडल लगी पड़ी थी, नीडल जानते हो ना, सुई कंपास की, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको दिखाती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हुई, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने इस वायर से करंट को पास कराया, क्या कराया, करंट पास कराया, करंट को किससे दिखाते हैं, आई से, थर्ड चैप्टर में पढ़ा है आपने,
करंट जब इन्होंने पास कराया इस किससे, इस वायर से जब उन्होंने करंट को पास कराया तो उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने देखा कि अरे भैया ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई, ये नीडल डिफ्लेक्ट हो गई अपनी जगह से, इसने अपने पोजिशन को चेंज कर लिया। ठीक है ना, क्या कर लिया, चेंज कर लिया, समझ रहे हो ना, क्या कर लिया, चेंज कर लिया, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन है, चेंज कर लिया। तो उन्होंने कहा अरे ये कैसे हो गया, तो उन्होंने, उनको अपने इस एक्सपेरिमेंट पे विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने दोबारा इस चीज़ को किया, उन्होंने दोबारा यही काम किया, उन्होंने करंट फ्लो कराया, फिर उन्होंने ये चीज़ नोटिस की अगेन कि दोबारा नीडल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट कर गई, ये नीडल इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि इस करंट को अभी तो इस डायरेक्शन में है, राइट साइड की डायरेक्शन में है, नॉर्थ की डायरेक्शन में, अब उन्होंने क्या किया, अब करंट को साउथ की डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराया। अब जब उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराया ना, तो उन्होंने अगेन नोटिस किया कि जो मैग्नेटिक नीडल है, ये जो नीडल है सुई, ये डिफ्लेक्ट हुई, ये भी दोबारा डिफ्लेक्ट हुई, लेकिन इस बार इसका डायरेक्शन भी बदल गया, यानी करंट का डायरेक्शन बदलते ही मैग्नेटिक नीडल का भी डायरेक्शन बदल गया। समझ गए मेरी बात। तो उन्होंने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि अच्छा कि जो हम करंट को, उन्होंने क्या कहा कि जब भी हम करंट को क्या कराते हैं, किसी वायर से फ्लो कराते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्रिएट होती है। उनको यहाँ से ये बात या ये कंक्लूजन निकाला उन्होंने और बताया। ठीक है, समझ गए मेरी बात। यही चीज़ कहा था ऑस्टेड जी ने, समझ गए कि, और क्या उन्होंने मेन बात क्या कही कि जो मूविंग चार्जेस होते हैं या कह सकते हो करंट जब फ्लो करता है तभी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, अदरवाइज नहीं बनती। समझ गए मेरी बात, कि जब भी कोई चार्ज मूव करेगा, मूविंग चार्ज जो होता है वही क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। यही कहा था ऑयस्टेड जी ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में, यही था क्या ऑयस्टेड जी का एक्सपेरिमेंट। समझ गए मेरी बात, यही था ऑयस्टेड जी का एक्सपेरिमेंट। क्लियर मेरी बात, बोलो समझ में आया, अगर समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक से हौसला बढ़ता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। हाँ, डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हो, ऑन पासिंग करंट इन वायर, जब उन्होंने एक वायर से करंट को पास कराया, ऑस्टेड जी ने नोटिस किया कि डिफ्लेक्शन हुई किसमें, मैग्नेटिक नीडल में, और फाइनली उन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया कि जो मूविंग चार्ज होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सिंपल सी बात, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी ना, नहीं थी। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ते हैं हम, इसके बाद हम पढ़ते हैं स्नो रूल। क्या पढ़ते हैं, स्नो रूल जिसको हम एम्पियर स्विमिंग रूल भी कहते हैं। क्या कहता है ये स्नो रूल, स्नो मतलब बर्फ वाला स्नो नहीं, आप कहीं समझ जाओ कि ये वो नहीं है। ठीक है ना, अच्छा कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है ये वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, ये हमारे पास क्या हो गई, नीडल हो गई इस तरीके से, एक कंपास में रखी हुई। तो स्नो रूल क्या कहता है कि जब भी करंट साउथ टू नॉर्थ जाता है, जब भी करंट साउथ टू नॉर्थ फ्लो होता है, कहाँ पे, जब भी करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो होता है, कहाँ पे, समझ रहे मेरी बात, साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो होता है, जैसे यहाँ पे देखो साउथ से नॉर्थ जा रहा है, करंट का फ्लो साउथ से नॉर्थ होता है, तो जो हमारी नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट होती है वेस्ट साइड की तरफ। ये किस तरफ होगी, वेस्ट साइड की तरफ, यहाँ पे क्या हो गया, वेस्ट साइड, इस तरफ हमारी जो नीडल है वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। करंट जा रहा है कहाँ, साउथ टू नॉर्थ, तो हमारी जो नीडल है कहाँ डिफ्लेक्ट होगी, वेस्ट की तरफ, इस तरीके से राइट साइड। समझ गए। और अगर करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ से साउथ यानी डायरेक्शन उल्टी, तो हमारी जो नीडल होगी वो ईस्ट की तरफ क्या करेगी, फ्लो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर करंट फ्लो हो रहा है साउथ टू नॉर्थ, तो हमारी जो नीडल है मैग्नेटिक नीडल कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वेस्ट की तरफ हो जाएगी। समझ गए, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इफ़ करंट इज पासिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन द नॉर्थ ऑफ द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, अच्छा ये बात भी समझ आ गई होगी आई होप। अच्छा इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के ही बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म ही तो पढ़ रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेसिकली, समझना, मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली है क्या, इस टॉपिक पे बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसी खाली जगह होती है, ये कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिसके अराउंड कोई भी कंडक्टर जो है, कोई भी कंडक्टर, वो करंट को कैरी करता है। समझ गए, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं बी वेक्टर से। अब बी वेक्टर लग गया तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी होगी, कॉमन सी बात, ठीक है ये याद रखना।
इसको हम किससे दिखाते हैं, बी से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ, और इसकी एक चीज़ और, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, क्या बोला मैंने, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, टेस्ला, टेस टी ई एस एल ए, टेस्ला, इसको हम टी से दिखाते हैं, कैपिटल टी से। समझ गए मेरी बात, समझ गए। अच्छा, ये तीनों चीज़ें समझ आ गई। हाँ, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रीजी का एक्सपेरिमेंट, स्नो रूल और मैग्नेटिक फील्ड समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब हम बढ़ते हैं अपने राइट हैंड थंब रूल की तरफ, जो कि आप टेंथ क्लास में भी पढ़ के आए हो, बट एक बार अगेन यहाँ पे दोबारा पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड, राइट हैंड समझ रहे हो, राइट हैंड और थंब का रूल, समझ गए क्या, राइट हैंड का, राइट हैंड और थंब का, ये राइट हैंड, ये राइट हैंड देख रहे हो, राइट हैंड देख रहे हो ना, इन प्यारे प्यारे हाथों को, ये राइट हैंड और थंब रूल, राइट हैंड और थंब रूल हमें पढ़ना है। ठीक है, राइट हैंड का मतलब समझ रहे हो ना, सीधा हाथ आपका, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल पढ़ना है। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, बस यही दो चीज़ आपको करना है, मज़ा आ जाएगा। अब हाँ, एक चीज़ और, राइट हैंड थंब रूल का हम रूल, जो ये रूल है इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो। तो जब भी हमें, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या फिर करंट की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, पहला हमारे हाथ का होता है अंगूठा, जिसको हम बोलते हैं थंब, और दूसरा हमारी होती है उंगलियां, यानी कि फिंगर्स। ठीक है, ये हमारा थंब और ये दूसरी उंगलियां। ठीक है, ये दो चीज़ों का कमाल होता है और राइट हैंड थंब रूल हमारा ख़त्म होता है, समझ गए। तो क्या होता है थंब, तो थंब जो होता है ये गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, किसकी डायरेक्शन देता है, करंट की डायरेक्शन देता है, और जो फिंगर्स होती है किसकी डायरेक्शन देती है, मैग्नेटिक फील्ड कर्ल, यानी जिस तरफ हमारी फिंगर्स कर्ल होंगी, मुड़ेंगी, वही डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर मेरी बात। अच्छा, अब कैसे करते हैं, अब समझना, सुनना ध्यान से मेरी बात। ये हो गया मेरा राइट हैंड, ये हो गया मेरे पास थंब, और थंब जो है ये करंट की डायरेक्शन बताएगा किसकी, अच्छा रुको मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये बताता है हमारे पास आई करंट, आई देख पा रहे हो ना, आई करंट की डायरेक्शन, आई करंट की डायरेक्शन, ये करंट, आई मतलब करंट, देख पा रहे हो करंट की डायरेक्शन, और ये जो सारी फिंगर्स है क्या बताएंगे हमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर, समझ गया मेरी बात, बोलो। ठीक है, अब समझते हैं क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट। देखो, मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर हो गया, समझ जा ध्यान से, मान लो मेरे पास क्या हो गया, एक ये कंडक्टर हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरफ ऊपर की तरफ, ये करंट फ्लो हो रहा है। अब मैंने कहा कि इसमें करंट जब फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो, इतनी सी बात। तो कैसे पता करेंगे, तो तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो, करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, ये रहा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड, ठीक है। अब इसमें यूज करना है, देखो करंट, ये थंब जो है किसका डायरेक्शन बताता है, करंट का, तो करंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो, तो अंगूठे को अपने ऊपर की तरफ रखो, ठीक है, करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, थंब देखो, है ना, करंट की डायरेक्शन बताता है थंब, तो थंब को रखो ऊपर, ठीक है, क्योंकि करंट भी कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो, ऊपर। तो हमारी, अब उंगलियों को मोड़ो, उंगलियों को कर्ल करोगे, देखो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, इस ये पेज है, इसके अंदर जा रही है मेरी फिंगर्स, इनवर्ड, है ना, यानी करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि फिंगर्स बताएंगी, ये कहाँ है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, इस देख रहे हो ना, ऐसे जा रही है, कॉपी के अंदर जा रही है इस तरीके से, है ना, समझ गए। तो यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनेगी, और कहाँ बनेगी, अंदर की तरफ, इस यानी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना, ये हो गई मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सिंपल सी बात, ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। अच्छा, अब मान लो मेरे पास दूसरा कंडक्टर ये है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ, कहाँ फ्लो हो रहा है, करंट नीचे की तरफ। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अब बताइए। तो करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, नीचे की तरफ, तो थंब अपना रखो नीचे की तरफ, ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल हो गया, कहाँ हो गया, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ये है, थंब रूल नीचे रख, थंब नीचे रखा करंट की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे देख पा रहे हो ना, यहाँ पे नीचे की तरफ, तो मेरी फिंगर्स कहाँ कर लो रही है, ऐसे बाहर की तरफ, देखो ना, ये हो गई करंट की डायरेक्शन, और हमारी फिंगर्स कहाँ कर लो रही है, इसे ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहरी तो आ रही है ना इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बाहरी तो आ रही है ना,
तो हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। इस तरीके से हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं बबुआ, समझ गए? ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है। अच्छा मान लो मैग्नेटिक फील्ड दी होती, मान लो करंट आपको नहीं दिया होता, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दी होती कि भैया मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो करंट की डायरेक्शन बताओ। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, तो अंदर की तरफ अपने मैग्नेटिक फील्ड को फिंगर्स को रखो, रख दिया तो करंट की डायरेक्शन कहाँ हो गई, ऊपर की तरफ हो गई ना, तो सिंपल करंट की डायरेक्शन हो गई ऊपर की तरफ। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं, क्लियर मेरी बात? ठीक है, अब मान लो मेरे पास कोई सर्कुलर कंडक्टर है, क्या फोर सर्कुलर लूप या सर्कुलर कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर कोई, मेरे पास सर्कुलर कंडक्टर तो उसके लिए क्या होगा, देखो तो मान लो ये मेरे पास एक सर्कुलर कंडक्टर हो गया इस तरीके से, क्लियर मेरी बात? अब मान लो इसमें करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में इस तरीके से, तो अब मैंने कहा और यहाँ पे हो रहा है इस तरीके से, है ना, अब मैंने कहा कि ये तो करंट का फ्लो हो रहा है दोनों तरफ, अब मैंने कहा कि मुझे क्या बताओ आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो देखो सिंपल, अब तो आसान हो गया, करंट की डायरेक्शन कौन बताता है, थंब बताता है, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन की तरफ थंब रख दो, करंट इस डायरेक्शन में इस तरफ जा रहा है ना, तो करंट की डायरेक्शन ये वाली है, तो इस डायरेक्शन में थंब रखा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएंगे, देखो उंगलियाँ घुमाओ, ये हो गई करंट की डायरेक्शन, उंगलियाँ घुमाओ ऐसे अंदर की तरफ, देखो अंदर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ इस तरीके से, अंदर की तरफ है ना, कहाँ बनेगी, अंदर की तरफ, या आप ऐसे ही बना सकते हैं इस तरीके से, अंदर की तरफ, समझ गए मेरी बात, अंदर की तरफ, क्लियर मेरी बात? अच्छा अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है इस तरफ, है ना, तो करंट की डायरेक्शन को रखो इस तरफ, है ना, राइट हैंड थंब रूल के करंट की डायरेक्शन हो गई ये वाली, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है ना, देखो उंगलियाँ मोड़ो ऐसे बाहर की तरफ ब्रो, तो यहाँ पे कैसी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, है ना, तो ये हो गई मेरे पास बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स, क्लियर मेरी बात? इस तरीके से आप क्या पता लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड या फिर करंट की डायरेक्शन, सिंपल, समझ गया मेरी बात, बोलो। अच्छा एक चीज़ और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, हर एक जगह यूज़ होगी, वो क्या है, वो बात याद रखना, क्या है कि अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, प्लेन, ये जो प्लेन है, ये पेज है, अगर इसके इनवर्ड है अंदर की तरफ, जैसे यहाँ पे थी हमारी, देख रहे थे ना, ऐसे करंट फ्लो है तो अंदर जा रही थी, अगर इनवर्ड है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हम उसको क्रॉस से दिखाते हैं, और अगर आउटवर्ड है तो हम उसको डॉट से दिखाते हैं, समझ गए, कैसे दिखाते हैं, डॉट से अगर आउटवर्ड है, और क्रॉस से दिखाते हैं जब इनवर्ड है, क्लियर मेरी बात, समझ गए, समझ गए राइट हैंड थंब रूल का भी कॉन्सेप्ट। तो ये था हमारा पार्ट वन वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी जरूर आपको करना है, और आपको बताना है कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, चलिए बाय बाय, लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।